आज हम ट्रैवल कर रहे हैं आंदमान सरकार की लेटेस्ट जहाज में, MV सिंधु। ये है आंदमान सरकार की टाइटैनिक। अपना आज का शिप देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे मैंने एक गलती करी जो आप बिल्कुल भी मत करना। चलिए फाइनली बोर्डिंग दस। सोच सकते हैं ये किसी शिप का रूम है। दोस्तों ये है इस शिप में मेरा प्राइवेट रूम एंड ये देखिए व्यू। अगर आ जाते हैं इस वीडियो पे 25,000 लाइक, वैसे देखा जाए तो इस जहाज में ना किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पे जो है आज मैच चल रहा है और विराट कोहली का सेंचुरी हुआ है, तो पीछे अलग ही माहौल है। आंखें जो है ना पूरी लाल हो रखी है पता नहीं क्यों। हाँ, मौसम देखिए क्या खराब हो रहा है। एक शिप जो कि चलती है 70 से 80 घंटे, कैसे होते हैं इसके कमरे, कैसा होता है इसका खाना, सब बताता हूँ इस वाले व्लॉग में। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। वेलकम टू आंदमान निकोबार सीरीज एपिसोड नंबर 3। लास्ट ब्लॉग में हम चल के आए थे पोर्ट ब्लेयर जो कि आंदमान की राजधानी है, वहाँ से डिगलीपुर जो कि एकदम नॉर्थ में। तो मैं फिलहाल आंदमान का जो आइलैंड है उसके एकदम नॉर्थ में हूँ। कल की बस जर्नी जो थी ना, मतलब सही में कोई बस जर्नी ऐसी नहीं होती जो कि मुझे थका देती या फिर मेरे कमर दर्द करते हैं, फिर कंधे दर्द करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मगर फर्स्ट टाइम कल ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ आप पिछले वाले व्लॉग में देख लेना। अच्छा, मेरा ना मन था कि मैं कोलकाता से आंदमान या चेन्नई से आंदमान या वाइजैग से आंदमान की शिप जर्नी करूँ जो कि लगभग 70 से 80 आवर्स की रहती है। मगर दिक्कत क्या हुई, कोलकाता से जो है ज़्यादा शिप्स चलती नहीं है, बहुत ही कम। वाइजैग चेन्नई से जो चलती है ना वो बहुत पुरानी शिप है, MV स्वराजदीप। तो वो पुरानी शिप मुझे आपको नहीं दिखानी थी, जो एकदम लेटेस्ट है ना, MV सिंधु और MV नालंदा जो सरकार लेके आई है, उसमें ट्रैवल करने का प्लान किया था मैंने। अब मैं देख रहा था कि आंदमान में जर्नी कहाँ की कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील, ये सब 2 घंटे की जर्नी होती है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ढूंढ ढूंढ के एक रूट मिला, वो था डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर, जो कि मेरे आइटनरी के साथ काफ़ी सेट हो रहा था। तो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम डिगलीपुर टू पोर्ट ब्लेयर। जो शिप का टाइम है वो है सुबह के 8 बजे। हम शायद 12 घंटे में यानी शाम तक पहुंच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं आंदमान सरकार की लेटेस्ट जहाज में, MV सिंधु। एंड बहुत बड़ा जहाज है, इसके अंदर क्या कुछ नहीं है, क्लासरूम, मीटिंग रूम, जिम। तो एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे जहाज को। अभी जो है जाना है हमें एरियल बे, वहीं से जहाज निकलेगी। ये रहा डिगलीपुर का शहर, वहाँ पे जो है बस स्टैंड है, एरियल पे जाने की बसेज मिल जाती है यहाँ से, पर अभी एकदम सुबह का टाइम है, आई डोंट थिंक सो कि कोई मिलेगा। वर्स्ट केस में ऑटो लेना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 200 रुपये लगेंगे। अगर आप आंदमान आ रहे हैं, आपको सरकारी शिप में ट्रैवल करना है, बुकिंग थोड़ी एडवांस में करनी पड़ेगी, तो वो मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। मतलब मैं तो शॉक्ड रह गया था देख के कि इनकी प्रॉपर वेबसाइट वगैरह है, प्रॉपर शेड्यूल उसमें अपलोड करते हैं। कल रात को जो है मैं यहीं पर उतरा था, अब बस तलाश है या तो बस की या फिर ऑटो की। अच्छा, फिलहाल जो है जा रहे हैं एरियल बे। अभी जो टाइम है लगभग हो रहा है सुबह के 6। अच्छा, राइट नाउ सुबह के 6:15 हो रहे, पहुंच चुका हूँ एरियल बे। वैसे तो रिपोर्टिंग टाइम डिपार्चर से 2 घंटे पहले है, यानी सुबह के 6 बजे। देख लेते हैं कितना टाइम लगता है, अभी कुछ चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। वैसे बता दूं आज हम माया बंदर होते हुए पोर्ट ब्लेयर जाएंगे। डिस्टेंस रहने वाला है 130 नॉटिकल माइल्स, जो कि 250 किलोमीटर के आसपास होता है। और देखेंगे एक शिप की जर्नी कैसी होती है। जो जेटी है ना वो उस साइड है बेसिकली। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए 2 दुकानें खुली है। एक चीज़ मैंने नोटिस करा यहाँ पे डिगलीपुर में ना, मतलब 99% लोग बंगाली हैं। खैर निकोबार तो जा नहीं पाया, उम्मीद करता हूँ निकोबार भी कभी देख पाऊँ। टाइम है 6:30, अभी जा रहा हूँ जेटी में, एरियल बे जेटी। ये अपना आज का बोर्डिंग पॉइंट रहने वाला है। शिप आई है कि नहीं आई है, टिकट का प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं चाहिए, सब जाके पता करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया एक मेंदू वड़ा, एकदम गर्म है। तो बता देता हूँ आपको बुकिंग कैसे करनी है। जो शिप बुक करने का वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज। वहाँ पे जाके 2 चीज़ें हैं, एक है कि इंक्वायरी आपको करनी है कि शिप कब, कहाँ से, किस टाइम, कौन सी शिप, किस दिन, कहाँ से कहाँ जाएगी, वो सब। जैसे MV सिंधु 15 तारीख को पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर जाएगी, या फिर 22 तारीख को पोर्ट ब्लेयर से हार्डवे जाएगी, ये सब वहाँ पर अपडेटेड हैं।
एंड बुकिंग करने के लिए वही पोर्टल पे है ऑनलाइन रिजर्वेशन, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा मोबाइल नंबर नाम वाम डाल के, उसके बाद जो है आप बुकिंग कर सकते हैं। मगर फिर से बोल रहा हूँ, शिप का शेड्यूल देख के उस हिसाब से बुकिंग कर लेना, क्योंकि सीट्स बिल्कुल भी नहीं मिलती यहाँ पे। लोकल्स के लिए ना शिप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रोड आपने देखा ही, बहुत स्मूथ सर्विस है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है लोकल्स के लिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि आइलैंडर और नॉन आइलैंडर्स का फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि देखिए, टूरिस्ट के लिए जो शिप है ना, वो तो बेसिकली एंटरटेनमेंट जैसा हो गया या फिर जॉय राइड हो गया, लेकिन जो लोकल्स है उनके लिए वो ज़रूरी कम्यूट बन जाता है, क्योंकि रोड की हालत ख़राब है, तो एक सब्सिडी पे उनको फेयर देना बनता ही है। मगर फिर भी द फेयर डिफरेंस शुडेंट बी दिस मच। मतलब जो लोकल्स है ना, वो बहुत ही कम दाम है। मतलब मान लो कि यहाँ से जो पोर्ट ब्लेयर है, सबसे जो लोएस्ट क्लास है ना, उसमें बस के फेयर में पहुँच जाएंगे। एंड इसी के साथ बता दूँ, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं शिप के फर्स्ट क्लास में। बेसिकली चार क्लासेज हैं, सबसे ऊपर है डिलक्स, फिर है फर्स्ट, फिर है सेकंड, फिर है बंक। कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो दिखाने का कि यहाँ की सरकारी शिप में जर्नी कैसी होती है। अच्छा, तो देख लो, आई एम एट एरियल बे। आज की हमारी शिप ऑलरेडी आ चुकी है, अभी कह रहे हैं कि डिबोर्डिंग चल रही है, तभी हमें पैसेंजर हॉल में वेट करना है। यहाँ पर बना हुआ है पैसेंजर हॉल, यहाँ पर कुछ स्पीड बोट्स वगैरह है रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जाने के लिए। एंड ये जो पूरा है ना ये एरियल बे है, और ये जो लाइन है ना, ये पैसेंजर चढ़ाने के लिए है। मतलब सोचो ना, आप आराम से शिप जर्नी करके आए ओवरनाइट फ्रॉम पोर्ट बे टू डिगलीपुर, शिप से उतर के ही सामने आपकी गाड़ी है। कितना अमेजिंग सिस्टम है, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा हैट्स ऑफ टू डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे मैंने एक गलती करी जो आप बिल्कुल भी मत करना, याद से प्रिंट आउट लेके आना। मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, लॉग इन करके टिकट दिखाने की कोशिश करी तो नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा। जिनसे भी पूछ रहा हूँ उनका भी नेट काम नहीं कर रहा, जिनका चल रहा है बहुत स्लो है, वेबसाइट नहीं खुल रहा। यहाँ पे एंट्री होती है, ऑनलाइन टिकट्स के लिए एक वेरिफिकेशन काउंटर है, जिस आईडी के साथ बुक किया वो आईडी चेक होगा। तो वहाँ पे जो है ना, मैं गया था, मतलब आधे घंटे से वहीं पे भटक रहा था। वो लोग बोल रहे थे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, आप लेके आइए टिकट, प्रिंट आउट करा के लेके आइए बाहर से। फिर इनके सीनियर आए एक सर, उनका जो काम को लेके डेडिकेशन है वो अमेजिंग है। आए दो मिनट के अंदर उनको बोला कि आप एक स्लिप पे इनका नाम PNR ये सब लिख के सील करके दे दो। एंड फिर मेरे को एक छोटा सा स्लिप मिल गया जिसमें मेरा नाम, सीट नंबर ये सब लिखा हुआ है। तो उन्हीं को थैंक्स, वरना आज की जर्नी शायद पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अभी हमें जाना है पैसेंजर हॉल के अंदर, यहीं से सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा, फिर हम शिप में जाएंगे। अभी जो पैसेंजर्स आए हैं ना, वो बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये है शिप निकलने से पहले पैसेंजर वेटिंग एरिया। देखिए, एयर कंडीशनड है, टोटल 4 AC लग रखी है, हालांकि चल नहीं रहे मगर ठीक है, बाकी जैसे ही शिप खाली हो जाता है चलेंगे बोर्डिंग के लिए। अच्छा, फाइनली वी आर गोइंग टू बोर्ड आवर शिप द मैजेस्टिक MV सिंधु। बहुत मुश्किल से ये बोट मिला है मैं कहूँगा, और दिक्कत क्या हो गई थी कि इसमें सीट नहीं रहता, रोड्स की हालत मैंने बताई। जैसे ही मेरे को दो सीट लास्ट दिखा तो मैंने तुरंत उसी टाइम में, बस में बैठा था कहीं जा रहा था, तो उसी टाइम मैंने फटाफट बुकिंग करी, तो मैं अपना नाम भी पूरा नहीं डाल पाया, मतलब टाइटल में रह गया, तो बहुत गलतियां करी, प्रिंट आउट नहीं लिया, टिकट सेव नहीं किया, ये सब थोड़ा करके आना चाहिए था। खैर, देख सकते हैं ये है अंडमान सरकार की टाइटैनिक, द मोस्ट मॉडर्न शिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इट इज़ MV सिंधु। बहुत बड़ी शिप है, 5-6 डेक्स है इसमें, पैसेंजर कैपेसिटी इज़ अराउंड 600 पैसेंजर्स, और इसका जो वेट है ना, दैट इज़ 6300 टन्स। लेंथ बोले तो इट इज़ 90 मीटर्स। अभी जो है ना, यहाँ पे बोर्डिंग चालू हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेट करो तुम्हारा, ये पता नहीं, मतलब पहली बार शायद देख रहे हैं सिस्टम। एक्चुअली मेरी ही गलती है, टिकट एटलीस्ट सेव कर लेना चाहिए था, और नाम भी पूरा नहीं है, वो भी दिक्कत है। इस वेसल को इतने नज़दीक से देख पा रहा हूँ, उम्मीद है कि इसके अंदर भी जा पाऊँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है आज की। अपना आज का शिप देख लो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट जो है 5 या 6 फ्लोर्स का है। एंड द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ मेड इन इंडिया, बना है कोचिन में, कंपनी का नाम भी मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, नेट नहीं चल रहा तो क्या कर सकता हूँ। चलिए फाइनली बोर्डिंग द शिप। ये अपन एंटर हो गए शिप में, अभी जाना है 5th फ्लोर। अच्छा, शिप इज फुली एयर कंडीशन, ऐसा जो है पैसेज बना हुआ है, एंड फर्स्ट क्लास कैबिन है मेरा आज का, इट इज़ 5202। तो स्टार्टिंग में ही जो है ऐसा एक बैठने का एरिया है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करूँगा। एक जो है यहाँ पे वॉशरूम है, फिर इस रूम में जो है टोटल 4 बंक्स है, ये रहा मेरा बंक 3 नंबर, और ये रहा 4। कुछ ऐसा व्यू मिलेगा यहाँ से,
चलो विंडो है एटलीस्ट, वही बहुत बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे जो है ना दो वर्क डेस्क है, मतलब एक दो, और यहाँ पे जो है और बैठने की जगह। अच्छा मीनवाइल देख लीजिए, वॉशरूम जो है ना हमारा अटैच्ड है, कुछ ऐसा दिखता है, कॉम्पैक्ट है मगर इट इज़ एकदम मॉडर्न। कैप्टन जो है बार बार हॉन्ग कर रहे हैं। इसके अंदर जो अलग अलग क्लास है ना उनके अलग अलग मेस है, तो ये है बंक क्लास मेस, कुछ ऐसा है। मैंने अभी पूछा यहाँ के स्टाफ से, उन्होंने बोला कि लास्ट डेक यही है, इसके आगे पैसेंजर्स के लिए नहीं खुला, कुछ इस तरह सा है। जो स्टेयर केस है ना उसको उठा के लेके चले गए, सो फाइनली वी विल डिपार्ट फ्रॉम डिगलीपुर, सॉरी फ्रॉम एरियल बे। बहुत ही धीरे धीरे वी आर डिपार्टिंग, मतलब इतना स्लो मूवमेंट है कि दिखेगा भी नहीं। तो चलिए फिर गुड बाय टू नॉर्थ अंडमान। उम्मीद करता हूँ फिर जब आऊँ तब नॉर्थ एंड वो रोज एंड स्मिथ आइलैंड जाऊँ। कोई प्रॉपर जगह नहीं मिले जहाँ पे मेरे को क्लियर व्यू मिले। अच्छा तो यहाँ पे ऐसा टेबल है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट जो है ना सारे ऐसे हैं, पावर प्लग वाले दो जो है यहाँ पे डेस्क है, जहाँ पे आप कुछ भी मतलब रख सकते हो अगर चाहिए तो। यानी शिप जो है कभी कभार 70-80 घंटे की जर्नी भी करती है, तो लोगों को लंबी जर्नीज में चाहिए, 12 घंटे में अगर नहीं भी हुआ तो। जब तक हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे ना ये जो ब्लैकिश पानी है ये पूरा ब्लू हो जाएगा। अच्छा रूम के कुछ और चीज़ें, जैसे यहाँ पे सब स्विचेस वगैरह है, यहाँ पे मतलब मेन स्विच है, फिर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स होते हैं ना उसका वॉल्यूम कंट्रोल है, फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सारा जो कि कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे टाइटैनिक वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम तो डूब ही नहीं सकते, तो बस हो गया काम। यहाँ पे लिखा है लाइफ बोट नंबर 2 योर मास्टर स्टेशन, मतलब अगर कुछ हो गया तो कहाँ पहुँचना है। सी का फिफ्थ डेक का पॉइंट सी, यहाँ पे एक बढ़िया सी पेंटिंग है, बढ़िया सा जो एक लाइट रखा हुआ है, तो अगर 2-3 दिन भी रहना है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगा। शिप जो है ना अपना वहाँ से निकला, फिर पूरा एक टर्न लिया, तो अभी वी विल क्रूज दिस साइड। मैं और पूछ के देखता हूँ कि और कोई डेक है कि नहीं, क्योंकि ये ना कार्गो कम पैसेंजर शिप है। अच्छा शिप के बारे में और 3-4 चीज़ें, शिप जो है बनाया गया है कोचिन में, जो मोटर वगैरह है वो इम्पोर्टेड है, एंड फिर जो बॉडी है वो सब कोचिन में बनाया गया है, एंड इसका जो मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड है ना दैट इज़ ओनली 16 नॉट्स। शिप का ना थोड़ा सा और टूर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो पैसेजेस है, मेरा जो रूम है वो इस पैसेज में, तो ये फिफ्थ डेक है, फिफ्थ डेक में दो पैसेज है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों में वही सिस्टम है, कुछ फर्स्ट क्लास कैबिन है, कुछ जो है डिलक्स क्लास कैबिन है। पीछे की ओर लोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है देखना पड़ेगा। इस शिप को घूमने में ही ना सही में 2 घंटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक और रूम है जहाँ से आप या तो व्यू ले सकते हैं या फिर आप जो है जिम विम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 इक्विपमेंट्स है। कभी कभार जो है ना शिप 3-4 दिन की भी जर्नी करती है, जैसे कोई लॉन्ग रूट हो गया मतलब पोर्ट ब्लेयर से निकोबार आइलैंड्स या फिर कोलकाता वाइजैक चेन्नई, तो जो है ऐसी फैसिलिटीज चाहिए। और यहाँ पे तो खैर सोफा ही लग रखा है, अगर टीवी चलता ना तो आज सेमीफाइनल है इंडिया का, तो अगर चलता तो बहुत बढ़िया होता। एंड अभी जो है ना मेरे को लंच का कूपन लेना है, दे अनाउंस की सुबह के 10 बजे तक ही लंच का कूपन मिलेंगे। यहाँ पे है शिप का रिसेप्शन, तो यहाँ पे जो है टोकन मिल रहा है, दिस इज बेसिकली स्मॉल शॉप, चिप्स वगैरह कुछ चाहिए तो यहाँ पे है। जैसे मैंने बोला कि बंक क्लास का अलग मेस है और फर्स्ट सेकंड इन का अलग मेस है। मेनू में है वेज फिश चिकन, तो कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो मेस है उसमें चिकन नहीं है, तो मैंने बंक क्लास मेस का ही चिकन थाली लिया है, 120 का है, लेकिन लंच में बहुत टाइम है। बस ये देख लीजिए, ये है इस जहाज़ का सेटिंग एरिया, बहुत ही कम सीट्स हैं, सीट जो है कुछ इस प्रकार की है, एंड ये जो है ना जहाज़ की सबसे सस्ती सीट्स हैं। इन द मीन टाइम मैं बता देता हूँ, मैंने पे किया है 3,500 रुपये अपने उस फर्स्ट क्लास रूम के लिए, बस में 400 रुपये में आया था, एंड जो नॉन आइलैंडर फेयर है ना वो है लगभग 1,000 या 1,200 रुपये, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ नॉर्मल टिकट। वैसे देखा जाए तो इस जहाज़ में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक जो है यहाँ पे बॉक्सिंग वाला वो रखा हुआ है, एक जो है यहाँ पे साइकिलिंग वाला मशीन, एंड इट इज़ बेसिकली वर्कआउट विद अ व्यू। तो ना मेरा मन कर रहा है कि एक लंबी जर्नी में करूँ, लंबी इन द सेंस 3 या 4 दिन की, दैट माइट बी कोलकाता पोर्ट ब्लेयर और वाइजैक पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई पोर्ट ब्लेयर, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आ जाते हैं इस वीडियो पे 25,000 लाइक, तो मैं ये 70-80 घंटे की जर्नी इस शिप में करूँगा। वैसे देखा जाए तो 12 घंटे की जर्नी भी काफ़ी मज़ेदार है, यहाँ पे देखिए जो टूरिस्ट है वो तो खास करके एंजॉय कर रहे हैं और साथ में लोकल लोग भी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं।
वैसे ये ना यहाँ पे अलमीरा भी है, क्योंकि 3-4 दिन की जर्नी है, और बर्थ में जो एक ऐसी रीडिंग लैम्प भी है, काफ़ी प्यारी सी है। आज के लिए ना मेरा ऑफिस यही है, इट इज़ वर्क फ्रॉम शिप। थोड़ा सा जो ना मैं अपना एडिटिंग वेडिटिंग कर लेता हूँ, लगभग 10:30 या 11 बजे पहुँच जाएंगे माया बंदर, तब मैं आपको फिर से लेके चलूँगा ओपन डेक में। शिप का जो स्पीड है ना वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच है अभी, बाकी यहाँ पे वीडियो वगैरह एडिट कर रहा हूँ अपनी। दोस्तों ये है इस शिप में मेरा प्राइवेट रूम एंड ये देखिए व्यू। अच्छा एक चीज़ मुझे पता चली कि ये जो विंडो है ना ये खुलता भी है, अगर पहले पता होता तो मैं डिगलीपुर का जो निकलने वाला पार्ट है वो यहीं से लेता। तो ऐसा जो ये खुल जाता है ये वाला, मतलब ये लूजन हो जाता है, फिर इसको ऐसे निकाल के आप विंडो ओपन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मौसम ख़राब होने लगा है, ऊपर घने बादल है, बारिश चालू हो चुका है। तो उस तरफ है नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे मिडिल अंडमान आइलैंड में। एंड देख लीजिए ये है एक लाइफ बोट, अगर आइसबर्ग आ जाता है तो इसमें बैठ जाना है। इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि भाई शिप अनसिंकेबल है, नहीं तो इतिहास गवाह है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो पूरा पैसा है ना, जितना भी मैंने फेयर दिया है, पूरा वसूल है सिर्फ इस व्यू के लिए। यहाँ पे चल रही थी अपनी एडिटिंग एंड हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि एसी कहाँ पे, एसी का जो डक्ट है वो यहाँ पे है एंड ये स्विच है एसी कमाने का और बढ़ाने का, तो ये जो है बंद था इसलिए थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू रीच माया बंदर, तो बाहर चल के आपको अराइवल दिखाता हूँ। ये रहा साउंड आइलैंड एंड पानी ना यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश सा हो गया है। टाइम इज 11 AM इन द मॉर्निंग एंड हम पहुंच गए हैं माया बंदर, वो रहा अपना जेटी। एंड मौसम देखिए क्या ख़राब हो रहा है। एक इतनी बड़ी जहाज़ को एक पोर्ट में लगाना कितना मेहनत का काम है अब पता चल रहा है। यहाँ पे तो खैर टाइम लैप्स लगा दिया है और अब जो फोरक्लिफ्ट पे स्टेयर रखी है ना उसको वो क्रेन उठाएगा और शिप के पास लाएगा, मतलब शिप के जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे लाएगा। एंड टाइम राइट नाउ इज़ 11:23, लगभग 50 मिनट लेट हैं अपन। यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं ना वो अभी उतर रहे हैं एंड जो एयरपोर्ट पे ट्रॉलीज मिलती है ना यहाँ पे भी वैसी कुछ ट्रॉलीज का सिस्टम है। जो पैसेंजर्स हैं ना अभी भी चढ़ रहे हैं। गाइज राइट नाउ द टाइम इज 11:58, वहाँ पे जो है ना वो स्टेयर्स हटा रहे हैं। सो दी बोर्डिंग इज कंप्लीट, लेट्स से गुड बाय टू माया बंदर।
वैसे दोस्तों थोड़ी देर में चलेंगे लंच के लिए, एंड शिप में चीज़ है कि 4-5 चार्जिंग पॉइंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक पे जो है मेरा GoPro चार्ज हो रहा है, एक पे जो है मोबाइल चार्ज हो रहा है, इधर जो है अपना माइक का चार्जिंग केस चार्ज हो रहा है। अब बस थोड़ी देर में चलते हैं लंच के लिए, देखते हैं कि यहाँ की सरकारी शिप का खाना कैसा होता है। राइट नाउ द टाइम इज़ 12:44। लंच करने जा रहा हूँ, मगर मेरे जो कैबिन में को पैसेंजर्स है उन्होंने बोला है कि लंच खाने लायक नहीं है, मतलब ऐसा हो तो दिक्कत हो जाएगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ अच्छा खाना भी होना चाहिए। अच्छा ये SRP में पहले समझ नहीं पाया था, अभी दिमाग में स्ट्राइक किया है कि शिप और एयरक्राफ्ट दोनों के लेफ्ट और राइट साइड को स्टार बोर्ड और पोर्ट साइड बोलते हैं। मतलब पोर्ट जो है ना बेसिकली लेफ्ट है, तो ये शिप का लेफ्ट है। तो चलते हैं नीचे लंच करने। ये रहा अपना लंच का कूपन, चिकन थाली का जो प्राइस है दैट इज़ 120 रुपीज़। देख लीजिए ये रहा मैस, और यहाँ पे हैंड वॉश एरिया है, और जो खाना लेने का लाइन है वो ये रहा। कुछ ऐसा है शिप का खाना, यहाँ पे एक पीस दिया चिकन का, यहाँ पे जो दाल दिया है, अचार लिया मैंने। एक्चुअली थोड़ा बुफे सिस्टम टाइप का ही है, यहाँ पे एक मीठा पापड़ एंड एक वेज सब्जी, दैट्स इट। तो अभी जो है मैं लंच करने बैठा हूँ यहाँ पे बंक वाले मेस में। मेस के हिसाब से मेनू अलग है, जैसे बंक वाले मेस में चिकन मिल रहा है, ऊपर जो डिलक्स वाला मेस है उसमें फिश मिल रहा है। खाना वगैरह आई वुड से कि ठीक ठाक ही है, अभी कोई फैंसी क्रूज तो है नहीं कि कॉर्डिलिया है, बार रेस्टोरेंट सब कुछ होना चाहिए। आई वुड से जो भी इन्होंने सर्व किया इट इज़ मोर देन एनफ। खाना जो है ना एकदम गर्म है, फ्रेश है, एंड चिकन मैंने ट्राई किया मुझे तो पर्सनली अच्छा ही लगा। मतलब मसाला ठीक से कुक नहीं हुआ, एकदम रॉ रह गया, बस वही है। खाना वगैरह काफ़ी ठीक ठाक ही है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप 3-4 दिन की भी जर्नी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है। लंच अपना मैं फिनिश कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कुछ बेहतर नज़ारे। अच्छा लंच इज डन। ये जो शिप्स होती है ना कहीं रजिस्टर्ड होती है गाड़ियों की तरह, तो जो हमारी सिंधु है ना इट इज़ रजिस्टर्ड इन मुंबई, एंड डेट है ये रहा 25 मार्च 2021। अच्छा फिर से आ चुका हूँ इनके टॉप डेक पे। ये जो है ना लाइव बोट है और ये है लाइव राफ्ट, आपको बेसिकली इसके अंदर घुस जाना है, ये डूबेगा नहीं। मगर जब तक आप समझ पाओगे कैसे इसको यूज़ करना है शायद जहाज डूब जाए। कुछ बता रखा है कि इसको यहाँ पे करके फिर वो क्रेन को ऐसे लाना, फिर इसको इसे उठाना, फिर खोलना घुसना, एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, मगर ऑपरेशनल इसका मुश्किल है थोड़ा। बाकी खैर बढ़िया नज़ारे तो दिख ही रहे, हमेशा रूम से भी दिख रहे हैं, डेस्क से भी दिख रहे हैं। मैं महीने में ऑलमोस्ट 15-20 जर्नी करता हूँ, लेकिन कुछ जर्नी सी होती है जो कि बिल्कुल जहन में रह जाती है, आज की जर्नी उनमें से एक है। अच्छा थोड़ा सा जो है ना मैं रेस्ट ले लेता हूँ। अब एक चीज़ बतानी पड़ेगी, जो कुशन है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब समुंदर में हो थोड़ी हिलेगी डुलेगी ज़रूर, मगर बेड कंफर्टेबल है। एंड आपकी बंक में ना ऐसे कर्टेंस हैं, तो बंद कर दोगे तो एक तरह से आपका कैप्सूल बन गया। और कोई चद्दर या ब्लैंकेट वगैरह नहीं दिया ओढ़ने के लिए, सिर्फ एक बेडशीट, मगर चलो इट इज़ क्लीन। जस्ट मुझे ये चीज़ देखनी कि शिप जब हिलती है ना तो सोने में कितना मज़ा आता है। जो है ना पूरी लाल हो रखी है पता नहीं क्यों। इट इज 3:30 इन द इवनिंग, व्यू जो है ना बहुत ही खतरनाक है, वो आइलैंड जो है ना कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, धूप उस पे ऐसे आई है ना कि इट इज लुकिंग लाइक अ गोल्डन ग्लिटर। मेरी आंखें ना पूरी तरह से लाल हो गई पता नहीं क्यों, सी सिकनेस का सिम्टम तो होना नहीं चाहिए। कुछ चाय कॉफी पी के आता हूँ, थोड़ा और सोने का मन कर रहा था मगर ना स्लीप साइकिल खराब हो जाएंगी। अभी जो है ना 4:15 हो रहे हैं और चाय ले लिया शाम की, 15 रुपीज़, एंड बिस्किट वगैरह चाहिए तो ऊपर शॉप है। ट्रेन की चाय होती है ना एकदम वैसा ही है, मगर इट इज़ बेटर देन ट्रेन्स। अच्छा लोकेशन आ गया, अभी हम 12 तांग के पास हैं, कुछ ही देर में क्रॉस करेंगे हैवलॉक आइलैंड एंड फिर साउथ अंडमान में आ जाएंगे।
वैसे इस शिप में जो है ना एक क्लासरूम है जिसको कि एज अ वेटिंग एरिया ही कंसिडर किया जा रहा है, एंड एक जो है ना यहाँ पे गेम्स रूम है। बाकी तो खैर टीवी भी हर जगह लगे, मगर सिग्नल विग्नल किसी चीज़ का है नहीं। प्री लोडेड मूवीज़ इसमें होनी चाहिए, नहीं तो 3-4 दिन का सफ़र है। एक दिन हुआ सुबह से शाम, मैं जहाज़ घूमते घूमते देखते देखते निकाल दिया, 4 दिन क्या करूँगा। अच्छा अभी ना नेटवर्क वर्टवर्क आया था तो स्कोर चेक किया, कुछ लोग तो मैच देख रहे थे, उनके पास इतना स्टेबल नेटवर्क है। यहाँ पे एयरटेल जियो का नेटवर्क नहीं आता, एयरटेल का तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे बीएसएनएल का नेटवर्क आता है। तो डिगलीपुर वगैरह में भी जो है मेरे को मिल नहीं रहा था टावर। अभी इट इज़ दी गोल्डन आवर राइट नाउ, उस साइड जो है एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है। सारी भीड़ जो है ना यहीं पे इकट्ठी हो गई। थोड़ा इसका ओपन डेक अगर और अच्छा होता ना तो इट वुड हैव बीन बेटर। ये जो जगह है बेसिकली कार्गो के लिए है, एंड इस शिप का जो कैपेसिटी है दैट इज़ 150 टन्स। मतलब कार्गो भी ले जाओगे, पैसेंजर भी ले जाओगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। एंड ये क्रेन है जिससे वो बॉक्सेस उठा उठा के रखते हैं। उस साइड हो रहा है एक बहुत ही प्यारा सनसेट, कसम से मज़ा आ गया जो सनसेट देखने को मिला आज। एंड आई डोंट थिंक सो कि पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस साइड में प्रोबेबली हमने हैवलॉक नील आइलैंड ये सब पार कर दिया है। तो मे बी एट मैक्स 2 आवर्स लगेंगे यहाँ से पोर्ट ब्लेयर। अब ओशन के करेंट्स पे डिपेंड करता है कि सेलिंग टाइम कितना होगा। अभी जो अपना स्पीड है ना दैट इज़ 30 किलोमीटर्स पर आवर। ओवरऑल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बेसिकली वो जो आइलैंड है ना वो है हैवलॉक आइलैंड, येरा स्वराज द्वीप। मेरा रूम अगर उस तरफ होता ना उस साइड तो शायद बेटर व्यू मिलता, बट फॉर नाउ आई हैव दिस व्यू ओनली। अच्छा ऑलराइट, इट सीम्स कि हमारी जर्नी जो है ख़त्म होने वाली है। एक बहुत ही प्यारा सनसेट देखने को मिला एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। धन्यवाद करता हूँ DSS के उन सर का जिन्होंने मेरी हेल्प करी। अगर नेट आ जाता उस टाइम मैं टिकट दिखा देता उनको, मगर नेट वेट जो है चल नहीं रहा। एयरटेल भाई क्या कर रहे हो। बट हाँ, मरने से पहले एक बार जो है मेरे को वो करना ही है, कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। जब मैं 2015 में आ रहा था ना, प्लान हो रहा था कि एक साइड फ्लाइट में आएंगे एक साइड शिप में, तो मेरे जो अंकल है ना उन्होंने बोला था कि तुम फ्लाइट से चले जाओ, वापसी शिप में कर लेना, ताकि अगर शिप डूब भी गई तो आंदामान जो है घूम लोगे। सो दैट्स इट, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। देखते हैं कौन से जेटी पे शिप रुकती है।
यहाँ पे जो है आज मैच चल रहा है और विराट कोहली का सेंचुरी हुआ है, तो पीछे अलग ही माहौल है, क्रिकेट फैंस है हर जगह और नेट किसी किसी को नहीं मिल रहा तो सब इकट्ठा होकर देख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है ना लाइट्स इन्होंने जला दी है अब, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। गाइस द टाइम इज 5:50, वी आर अबाउट टू रीच पोर्ट ब्लेयर। मेरे हिसाब से आधे घंटे में जो है हम पोर्ट में होंगे। वन आउस कर रहे हैं अभी। एंड शोर लाइन एक्चुअली दिख रहा है मगर बड़ी जहाज है तो पार्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन द मीन टाइम मैं पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ। अभी जो है पोर्ट के एकदम पास पहुंच चुके हैं मगर फिर भी बहुत टाइम लगना है। अच्छा तो मेरे जो को पैसेंजर्स है ना वो अभी मतलब उतरने का टाइम हो गया तो जस्ट एक बार बात करा देता हूँ। नाम बोल रहे अपना देर नाम 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 की जयंती मंडल अपना देर आप लोग डिगलीपुर से ही आ रहे हैं अभी? ओके, पोर्टलेयर में मेडिकल काम है तो शिप का एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब बढ़िया ना? सुमित को और भी अच्छा लगा। बस में रोड अच्छा नहीं है ना तो शिप में अच्छा शिप में आपको आराम है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके थैंक यू सो मच। ओके चलिए जी, टाइम है 6:30, पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के हाडो जेटी में। इस रूम को कहते हैं गुड बाय। उम्मीद करते हैं कि आप जो है लाइक वाइक करेंगे एंड एक लंबी सी जर्नी मैं शिप में कर सकूंगा। सब पैसेंजर्स धीरे धीरे जो है डिसएम्बार्क कर रहे हैं एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। ये देख लीजिए, ये है बंक क्लास रूम जो कि इस शिप की सबसे सस्ती मतलब स्लीपर वाली क्लास है। सीट्स वाली तो चलो खैर डे जर्नीज के लिए इशू होता है। कुछ ऐसे हैं बंक्स जो है कुछ ऐसे हैं मतलब सही सॉफ्ट सही हैं, अपर लोअर जैसा होता है। यहाँ पे भी मतलब प्रिवेसी वगैरह सही है, अलमीराज है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे भी लगी है बट इसमें जो है वो विंडोज़ नहीं है जो खोल के आपको बहुत बेहतर रिव्यूज़ मिलेंगे। जो इस शिप का सबसे लग्जरी क्लास है ना वो दिखता है कुछ इस तरह का। यहाँ पे जो है एक फ्रिज है, एक अलमारी है, दो बेड्स हैं। सोच सकते हैं ये किसी शिप का रूम है। इट इज़ रियली अमेजिंग। प्लस सोफ़ा वर्क डेस्क वो सब है एंड एक अटैच्ड वॉशरूम। ये है डिलक्स क्लास पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता के। डिलक्स क्लास के आपको देने पड़ेंगे 15,000 रुपये। एक जो है सेकंड क्लास भी आपको दिखा दिया जाए। ये रहा सेकंड क्लास कैबिन। बस सीन ये है कि ये जो है 6 बेड वाला है, हमारे जैसे 4 थे, बाकी सब कुछ सेम है। वी आर फाइनली डिसएम्बार्किंग एट पोर्ट ब्लेयर। शिप का जो रात का व्यू है वो कुछ ऐसा है, लाइट्स लगी हैं कई सारी। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। शिप से निकल गई ना, काफी गर्मी लग रही है। चलिए अंदर तो एसी वेसी में बैठे थे और हवा भी आ रही थी अच्छी, बट यहाँ पे वही गर्मी लग रही है। अभी जा रहा हूँ अपने होटल में, रुका हुआ था इसमें संध्या रेसिडेंसी में, होटल दिखा के आपको व्लॉग एंड करूँगा। और अभी जा रहा हूँ डिनर करने, भूख लग रही है थोड़ी सी। एंड बाय द वे ये है हाडो जेटी, अंधेरा हो रहा है हालांकि। तो चलिए पहुंच चुका हूँ अपना होटल। ये है होटल संध्या रेसिडेंसी। रूम जो है ना कुछ ऐसा है, सिंगल रूम है, अच्छा है काफ़ी। प्राइस जो है वो है 1400 एंड एक जगह से मैं डिनर करके आ गया। इट इज़ हब ऑफ हैदराबादी बिरयानी खा के आया। मरीन हिल पे है, काफ़ी अच्छी जगह है। इस होटल में ना एक स्टाफ है, वो दादा है, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। वाईफाई अच्छा है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और प्राइसेस जो एकदम सही है। यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया जो कि बहुत ज़रूरी है एंड वीडियो जो है रेंडर हो रही है, अपलोड कर दूंगा। खैर मिलते हैं फिर अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी है बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ। लोगो दिख रहा है ना, लोगो विराट कोहली मार सकता है क्या?